हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सब्सिडरी बुक्स का टॉपिक। हमने मीनिंग देख लिया था सब्सिडरी बुक्स का और साथ ही में हमने एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लिया था इस पूरे चैप्टर का कि कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स रहती हैं जो अभी के लिए हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करनी है। तो आज हम लोग फर्स्ट सब्सिडरी बुक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बुक है, जिसका नाम है कैश बुक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैश बुक क्या होती है और कैसे हमें इस कैश बुक को ड्राफ्ट करना होता है। तो अब हमें अच्छे से पता है कि सब्सिडरी बुक्स में हमने करना क्या है। हमने रिकॉर्डिंग करनी है, मतलब कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स रहते हैं हमारे, जो कि वाउचर्स होते हैं, उन वाउचर्स से सीधा हमने रिकॉर्ड करना है उन ट्रांजैक्शंस को। तो अब कैश बुक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कैश बुक क्या रिकॉर्ड करेगी? सारी कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगी, बी इट रिलेटेड टू एनीथिंग, चाहे परचेज से रिलेटेड हो, चाहे सेल से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी और रिसिप्ट और पेमेंट से रिलेटेड हो विच इज़ इन कैश। कोई भी कैश ट्रांजैक्शन जिसमें भी कैश इन्वॉल्व हो गया, ये कैश बुक उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ नोट डाउन कर लेंगे कि कैश बुक रिकॉर्ड करती क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश, बी इट रिसिप्ट्स और पेमेंट्स। तो कैश बुक हम लोग किस लिए बनाते हैं या कैश बुक होती क्या है? ये वो बुक है जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाले हैं जो कि कैश से रिलेटेड होंगी, चाहे कैश की रिसिप्ट हो, मतलब कि आप कैश रिसीव कर रहे हो, या फिर कैश की पेमेंट हो, मतलब कि आप कैश पे कर रहे हो। तो अब ये बुक हम बनाते क्यों हैं? ये बुक हम इसलिए बनाते हैं, अब कैश जब भी आप रिसीव करोगे तो आप क्या करोगे? कैश अकाउंट को डेबिट करोगे, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। तो बार बार क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू अ पर्टिकुलर थिंग, कैश अकाउंट डेबिट टू अ पर्टिकुलर थिंग। आप बार बार कैश अकाउंट को डेबिट करोगे और उससे क्या होगा? फालतू में आपकी जो लाइन है वो वेस्ट हो रही है, टाइम भी आपका वेस्ट हो रहा है बार बार कैश अकाउंट को डेबिट करने में। साथ ही में जब आप कोई कैश की पेमेंट कर रहे हो तो आप क्या एंट्री डालोगे? अ पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर से अ पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कि बार बार कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो बार बार इस कैश अकाउंट को डेबिट ना करना पड़े और क्रेडिट ना करना पड़े, इसलिए हम ये कैश बुक बनाते हैं, ताकि जो सारा इफेक्ट रहता है उन कैश ट्रांजैक्शंस का, कुछ भी कैश से रिलेटेड है, वो एक ही जगह पे इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो अब ये जो कैश बुक, जब हम इसको बनाएंगे तो हमें अच्छे से पता चलेगा किस कारण ये कैश बढ़ा, किस कारण ये कैश कम हुआ, और एक पर्टिकुलर डे पे इसका जो बैलेंस है वो क्या है। तो अब ये जो कैश बुक होती है, सारे ही ऑर्गेनाइजेशंस, बी इट अ स्मॉल और अ बिग एंटरप्राइज, सभी ये कैश बुक बनाते हैं, क्योंकि इसमें कैश की जो ट्रांजैक्शंस है वो बहुत कन्वीनियंटली रिकॉर्ड हो जाते हैं। और साथ ही में एक और फ़ायदा है जो आगे चल के बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि कैश बुक में हम कौन सी कैश बुक्स कवर करने वाले हैं और असल में कितने टाइप्स की कैश बुक होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो अब ये जो कैश बुक होती है, ये असल में चार तरीके की रहती है, पर चारों हमारे सिलेबस में नहीं है, बट नाम हम चारों के लिखेंगे। तो पहली जो कैश बुक होती है उसका नाम है सिंगल कॉलम कैश बुक। अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये कैश बुक्स क्या होती हैं। तो पहली हो गई सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरी कैश बुक का नाम है डबल कॉलम कैश बुक। ये भी हम लोग अभी ही कवर करेंगे। तीसरी कैश बुक का नाम क्या होगा? अगर पहली का है सिंगल कॉलम और दूसरी का है डबल कॉलम, तो तीसरी का नाम होगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और आखिरी कैश बुक जो हम सीखेंगे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमने नहीं करनी, बट मैं आपको बताऊंगी कि इसमें होता क्या है। और लास्ट कैश बुक का नाम है पेटी कैश बुक।
तो ये चार टाइप्स की होती हैं कैश बुक इन टोटालिटी। तो पहली समझते हैं हम लोग, पहला यहाँ पर है सिंगल कॉलम कैश बुक। तो अब सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, जैसे कि उसका नाम ही सिग्निफाई कर रहा है, सिंगल कॉलम, एक ही कॉलम होगा। अब एक ही कॉलम किसका होगा, कैश बुक बना रहे हैं, कैश का ही वो कॉलम होगा। मतलब कि इसका फॉर्मेट कुछ ऐसे रहेगा कि सिर्फ इसमें जो हम कैश ट्रांजैक्शंस रहेंगी वो ही हम लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब कैश की रिसिप्ट भी हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे और कैश की पेमेंट्स भी हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कैश का ही कॉलम रहेगा इस सिंगल कॉलम कैश बुक में। तो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर कि इसमें होता क्या है, रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शंस ओनली, सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। मतलब अगर बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो रही है नहीं कर पाएंगे यहाँ पर रिकॉर्ड, क्योंकि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है और वो सिंगल कॉलम है किस लिए, सिर्फ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए है। मतलब ओनली कैश ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन सिंगल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, इसमें दो कॉलम्स रहेंगे, मतलब दो चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये जो डबल कॉलम कैश बुक होती है ये आगे तीन टाइप्स की हो सकती है। पहला टाइप क्या है, वो दो कॉलम जो होंगे वो होगा कैश का और दूसरा जो कॉलम होगा बैंक का। तो ये होगा फर्स्ट टाइप ऑफ डबल कॉलम कैश बुक और ये हमारे सिलेबस में है, हमने इसको कवर करना है, जहाँ पे कैश का भी कॉलम होगा और बैंक का भी कॉलम होगा। मतलब कि कैश से रिलेटेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स और बैंक से रिलेटेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स वो हम इस डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब दूसरा जो टाइप होता है डबल कॉलम कैश बुक का वो होता है, एक तो कॉलम हमारा होगा बैंक की ट्रांजैक्शंस के लिए और दूसरा जो हमारा अकाउंट होगा वो होगा डिस्काउंट के लिए। अब ये जो डिस्काउंट है ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है, क्योंकि हमें पता है जब भी हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो या तो डिस्काउंट अलाउ करते हैं या फिर डिस्काउंट ज़्यादातर रिसीव भी करते होते हैं, तो वो बैंक और कैश से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। इसलिए एक ही जगह पे, ताकि हम उस डिस्काउंट को भी साथ में रिकॉर्ड कर सके, तो उस तरह की भी डबल कॉलम कैश बुक होती है, जो कि दूसरा टाइप है, जिसमें एक कॉलम होगा बैंक का, दूसरा कॉलम होगा डिस्काउंट का। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम कवर नहीं करेंगे, लिखेंगे ज़रूर यहाँ पर बट कवर नहीं करेंगे। और तीसरा और आखिरी टाइप जो होता है डबल कॉलम कैश बुक का, वो होता है कैश का कॉलम होगा एक और दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा डिस्काउंट का। और रीज़न क्या है ये डिस्काउंट के कॉलम को कैश या बैंक के साथ लेने का, वो यही है कि ये जो डिस्काउंट अलाउड या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, ये होता ही कब है, ऑन कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट, कैश में जब वो ट्रांजैक्शन हो जाती है तभी वो कैश डिस्काउंट मिलता होता है। मतलब बैंक से भी हो जाए तो भी कैश डिस्काउंट मिलता है, तो वो रिलेटेड ही इससे है, तो वहीं पर वो रिकॉर्ड हो जाए। इसलिए इस तरह की भी डबल कॉलम कैश बुक होती है। लेकिन हम लोग कौन सी वाली कवर करेंगे, हम वो वाली कैश बुक कवर करेंगे जिसमें सिर्फ कैश और बैंक का कॉलम होगा। तो इसे भी हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। पहला जो टाइप होगा जो हमने करना है वो क्या रिकॉर्ड करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा कैश एंड बैंक वाली ट्रांजैक्शंस, दोनों रिकॉर्ड करेगा, आइदर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कैश और बैंक की वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। ये हमने करना है, मतलब ये हमारे सिलेबस में है और सिंगल कॉलम भी है तो इसे भी हम लोग टिक कर देते हैं। दूसरा जो टाइप रहता है वो रिकॉर्ड करता है कैश एंड डिस्काउंट, ये सिलेबस में नहीं है, इसको हमने नहीं करना, बट हमें पता चल गया कि ये क्या रिकॉर्ड करेगा, कैश का और साथ में उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्काउंट, अगर उस ट्रांजैक्शन में वो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड है तो। और तीसरा जो टाइप रहेगा वो होगा बैंक एंड डिस्काउंट, कि बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड जो एंट्रीज हैं तो साथ में ही उस बैंक की अमाउंट के वो डिस्काउंट भी क्या होता है रिकॉर्ड कर लेते हैं हम इस कैश बुक में। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, जो चीज़ हम यहाँ पे ऐसे डबल कॉलम में कर रहे थे एक एक को एक एक से मैच करके, अब क्या है ये तीनों चीज़ें कैश बैंक एंड डिस्काउंट ये सारे इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो इसमें तीन कॉलम्स रहते हैं फॉर रिकॉर्डिंग रिसिप्ट्स एज वेल एज पेमेंट, कैश की, बैंक का और साथ ही में उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्काउंट। तो तीन कॉलम्स कौन से रहते हैं यहाँ पर वो हम लिख लेते हैं, इसमें होता है कैश, बैंक एंड डिस्काउंट का कॉलम।
तो तीनों ही कॉलम्स इस ट्रिपल कॉलम कैश बुक में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं और ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। लास्ट हमारे पास है पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक का पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या रिकॉर्ड करती है, फॉर रिकॉर्डिंग स्मॉल पेमेंट्स। तो अब ये जो पेटी कैश बुक होती है, ये पेटी का मतलब क्या होता है, पेटी का मतलब छुटपुट, मतलब कि वेरी स्मॉल। जो ट्रांजैक्शंस होती हैं कैश पेमेंट से रिलेटेड, यहाँ ध्यान रखना है यहाँ पे सिर्फ हम पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। आगे चल के इसका हम सिस्टम सीखेंगे, ये पेटी कैश बुक बनती कैसे है, एक इंप्रेस सिस्टम नाम की चीज़ होती है, अच्छे से सीखेंगे वो क्या होता है। बट इसमें हम रिकॉर्ड क्या करेंगे, वो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस जिसमें हम कैश पेमेंट कर रहे हैं जिनकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, क्योंकि अगर हम उसको मेन कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं तो कैश बुक बिकम्स अननेसेसरीली हैवी। तो ताकि वो छुटपुट सी ट्रांजैक्शन जो उस मेन कैश बुक में रिकॉर्ड ना हो, वो छोटी छोटी पेमेंट्स जब हम करते हैं उसके लिए हम बनाएंगे ये पेटी कैश बुक, और हम लोग सीखेंगे अच्छे से कि ये कैसे बनती होती है। बट ये होती किस लिए है, फॉर रिकॉर्डिंग स्मॉल स्मॉल पेमेंट्स। तो ये हैं चार टाइप्स की कैश बुक जो असल में होती हैं, और हमने कौन सी करनी है, हमने करनी है सिंगल कॉलम कैश बुक, फिर हमने करनी है डबल कॉलम कैश बुक हैविंग कैश एंड बैंक कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं करनी, और हमने करनी है पेटी कैश बुक। तो हम करने वाले हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक जिसको टू कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं, जिसमें कैश और बैंक वाला कॉलम होगा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक को वैसे थ्री कॉलम कैश बुक भी बोलते होते हैं, और ये हमने नहीं करनी, और पेटी कैश बुक हमने करनी है। तो अभी यहाँ से हमने तीन तरीके की कैश बुक हमने सीखनी है। तो अब इतना समझने के बाद हम लोग फर्स्ट टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि होगा सिंगल कॉलम कैश बुक। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। तो अब ये वो कैश बुक है जो कि क्या रिकॉर्ड करने वाली है, सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाली है, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड हो सकती इसमें, सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड होंगी। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्मेट। तो अब सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने दिखाना क्या है, हमने दिखाना था कि कैश से रिलेटेड कुछ भी, मतलब कैश कैसे इंक्रीज हुआ मतलब कि कैश रिसिप्ट, और कैश कैसे डिक्रीज हुआ मतलब कि कैश पेमेंट्स, एक ही जगह पे दिखानी है हमने। तो ऐसी चीज़ हमने अच्छे से सीखी हुई है कि कहाँ पे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कैसे इंक्रीज हुई, कैसे डिक्रीज हुई, क्या उसका बैलेंस है, वो हमें पता चलता होता है लेजर अकाउंट से। तो अब ये जो कैश बुक का फॉर्मेट है वो प्रॉपर जो लेजर का हमने फॉर्मेट सीखा हुआ है वही इसका फॉर्मेट है, क्योंकि हमने इसमें बताना है क्या है, चाहे हमें इसको रिकॉर्ड करना है चीज़ों को, लेकिन रिकॉर्ड करना ही क्या है, कैश कैसे इंक्रीज हुआ, कैश कैसे डिक्रीज हुआ, एक टाइम पे उसका बैलेंस क्या है, तो फॉर्मेट कौन सा रहेगा, फॉर्मेट रहेगा लेजर का ही। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर जो हम लेजर अकाउंट वाला फॉर्मेट बनाते होते हैं वही इसका फॉर्मेट है। एक दो कॉलम एक्स्ट्रा ऐड होंगे वो हम लोग देख लेते हैं, बट वो वैसे भी खाली ही रहने वाले हैं कैश बुक में। तो असल में अकाउंट का फॉर्मेट ही इसका फॉर्मेट है। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे इसका फॉर्मेट। पहला कॉलम हमारे पास रहेगा डेट का, दूसरा कॉलम हमारे पास होगा पर्टिकुलर्स का, सेम अकाउंट वाला फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तीसरा कॉलम होगा, इसको हम लिखेंगे वी डॉट नंबर, मतलब कि वाउचर नंबर, और यही है वो एक्स्ट्रा कॉलम जो कि उसमें नहीं होता जब हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा कॉलम है वाउचर नंबर का, क्योंकि करने क्या वाले हैं कैश बुक में, रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, पोस्टिंग नहीं कर रहे अभी यहाँ पर, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग के लिए हमें वो सोर्स डॉक्यूमेंट जहाँ से हमने उठाया है वो वाउचर, उसका नंबर यहाँ पे सामने आएगा। वाउचर नंबर के बाद हमारे पास कॉलम है एल एफ, मतलब कि लेजर फोलियो की, लेजर के कौन से पेज नंबर पे हमें ये अकाउंट दिखेगा। और उसके बाद हमारे पास जो कॉलम है वो है अमाउंट इन रुपीस का। तो क्योंकि ये अकाउंट वाला ही फॉर्मेट है इस कैश बुक का, तो इसकी दो साइड्स होंगी, एक तो लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम बोलेंगे डेबिट साइड, एक राइट हैंड साइड जिसको हम बोलेंगे क्रेडिट साइड। किसी ने भी डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं भूलना, क्योंकि डेबिट क्रेडिट के बिना इसका जो मतलब है वो अधूरा है। तो डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर लेजर फोलियो अमाउंट, यही वाले कॉलम्स क्रेडिट साइड भी रिपीट होंगे, डेट
पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट इन रुपीस। तो ये है फॉर्मेट हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का, जो कि क्या है, नॉर्मल जो लेजर अकाउंट हम लोग बनाते होते हैं वही फॉर्मेट है ये। सिर्फ दोनों साइड एक एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, बिकॉज हम रिकॉर्डिंग करने वाले हैं इस कैश बुक में, जो कि है वाउचर नंबर का, कि कौन सा वाउचर नंबर था जिसे देख के हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है। साथ ही में यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक्स में हम ये कैश बुक बना रहे हैं उसका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, जो भी कंपनी का, जो भी पर्सन का हम यहाँ पर कैश बुक बना रहे हैं जिसके लिए, तो इन द बुक्स ऑफ डैश यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैश बुक। तो हेडिंग इसकी ऐसे रहेगी, इन द बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ये कैश बुक बन रही है हमारी। तो ये है प्रॉपर फॉर्मेट कैश बुक का। साथ ही में एक और चीज समझते हैं यहाँ पर, अब कैश बुक क्या रिकॉर्ड करने वाली है, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स। अब कैश बुक, कैश अकाउंट आपका डेबिट कब होता है, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, एसेट आपका इंक्रीज कब करेगा कैश वाला, जब आप कैश रिसीव करोगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सारी रिसिप्ट आएंगी, जो भी आप लोग रिसीव कर रहे हो कैश वो सारा यहाँ पर लिखा जाएगा। और रिकॉर्डिंग करनी कैसे है, नॉर्मल ही रिकॉर्डिंग करनी है जैसे हम करते हैं, जैसे कि हमने सेल करी, क्या जो एंट्री डाली, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैसे हम करते होते हैं लेजर में, इन कैश टू सेल्स, तो यहाँ पर भी ये कैश अकाउंट ही है, तो इन कैश यहाँ पर जाके हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और साथ ही में उसकी हम अमाउंट भी लिख देंगे, और बाय चांस अगर हमें वाउचर नंबर दिया हुआ है हम यहाँ पर वाउचर नंबर भी लिख देंगे। और ऐसे ही करके, अब ये कैश अकाउंट ही है तो कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, कब करते हैं क्रेडिट, जब कैश को हम पे करते हैं, कैश हमारा कम होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे पेमेंट्स आने वाली हैं, और कौन सी पेमेंट्स, सिर्फ कैश पेमेंट्स, ध्यान रखना है यहाँ सिर्फ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट्स, बैंक से रिलेटेड चीज़ें सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर करना है, ये टू साइड रहेगी, ये बाय साइड रहेगी, नॉर्मल जैसे हम अकाउंट बनाते हैं, कास्टिंग करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे कैश बुक में करना है। तो ट्रीट द सिंगल कॉलम कैश बुक एज अ नॉर्मल कैश अकाउंट, नॉर्मल जो हमारा कैश अकाउंट होता है वैसे ही हमने इस कैश बुक को बनाना होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग रिकॉर्डिंग करने लगे हैं, पर कर तो सब कुछ लेजर वाला ही रहे हैं हम, यहाँ पर हम पोस्ट भी कर रहे हैं, हम कास्टिंग भी करेंगे, हम बैलेंसिंग भी करेंगे बैलेंस निकालने के लिए कैश का, तो ये तो लेजर भी बन रहा है हमारा। तो इसीलिए ये जो कैश बुक होती है इसको हम बोलते होते हैं अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक एज वेल, क्योंकि यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं, मतलब कि सोर्स डॉक्यूमेंट से उठाकर सीधा कैश वाली ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम वाउचर नंबर भी साथ में लिख रहे हैं, और फर्स्ट टाइम ये ओरिजिनल एंट्री करने वाले हैं हम, प्राइमरी एंट्री करने वाले हैं हम यहाँ पर इस कैश बुक में, सबसे पहले यहीं पर रिकॉर्ड कर रहे हैं इस कैश बुक में, तो ये सब्सिडरी बुक तो है ही, साथ ही में ये प्रिंसिपल बुक भी है, क्योंकि लेजर अकाउंट इन इटसेल्फ यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कैश कैसे बढ़ा, कैश कैसे कम हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम पर उसका बैलेंस क्या है। तो कैश बुक का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है, इट इज अ सब्सिडरी एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक। तो ये भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि कैश बुक हमारी सब्सिडरी बुक भी है, प्रिंसिपल बुक भी है। कैश बुक is a subsidiary as well as a principal book, जो कि सबसे important feature है इस cash book का, सब्सिडरी बुक भी है, क्योंकि सबसे पहले यहीं पे रिकॉर्ड कर रहे हैं हम इन ट्रांजैक्शंस को, चाहे रिकॉर्ड करने का तरीका लेजर जैसा है लेकिन कर क्या रहे हैं, कर तो रिकॉर्डिंग ही रहे हैं, इसलिए ये सब्सिडरी बुक है, ये बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी है और ये बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री भी है, इट इज अ प्रिंसिपल बुक एज वेल, बिकॉज यहाँ पर एक नॉर्मल लेजर अकाउंट ही हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दिस कैश बुक इज इन इटसेल्फ अ कैश अकाउंट, इसलिए इसको हम दोनों ही बोलते होते हैं, सब्सिडरी एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक। तो साथ ही में हम लोग यहाँ पर ये लिख भी लेते हैं कि यहाँ पर हमने सारी चीज़ें टू करके लिखनी है, वैसे तो हमें ये चीज़ पता है पर फिर भी मैं यहाँ लिख रही हूँ, और यहाँ पर जो हमने लिखना है वो बाय करके लिखना है। तो जो भी कैश वाली चीज़
चीज़ रहेगी वो तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अब जैसे आपने कैश रिसीव किया फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स से, तो हमारी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, तो कैश टू मिस्टर एक्स, तो वो तो हमने यहाँ पर कर लिया। और जो दूसरा इफेक्ट रहता है वो मिस्टर एक्स के अकाउंट में जाके हम लोग देंगे। इसका मतलब क्या है, जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हम कैश अकाउंट नहीं खोलते होते लेजर में, ये भी हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। When cash book is maintained cash account is not opened in ledger। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है कैश बुक इज़ इन इट सेल्फ अ कैश अकाउंट, वो प्राइमरी या सब्सिडरी बुक भी है और साथ ही में वो प्रिंसिपल बुक भी है, इसलिए लेजर में फिर से थोड़ी ना कैश का अकाउंट खोलेंगे। जब ये यहाँ पे बन ही गया, कैश बुक का फॉर्मेट ही ऐसा है कि वो पूरा अकाउंट वाला ही फॉर्मेट है, तो फिर से हमने लेजर अकाउंट जब प्रिपेयर करने हैं, कैश बुक बना रहे हैं, कैश अकाउंट नहीं खोलना हमने। साथ ही में जब हम लोग ये सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे, तो अगर हमें कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो हमें पता है ओपनिंग बैलेंस एक एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड जाएंगे और क्या लिखेंगे, टू बैलेंस। ध्यान में क्या रखना, ब्रॉट डाउन लिखना, बिकॉज दीज बैलेंसेज आर बीइंग ब्रॉट फॉरवर्ड। तो ये ओपनिंग बैलेंस जो होगा कैश का, वो हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसे भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर हमें कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, हम लोगों ने उसको कैसे लिखना है, हम लोग जाएंगे टू साइड पर, मतलब डेबिट साइड पर जाएंगे और क्या लिखेंगे वहाँ पर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट हम उसके सामने लिख देंगे। और लास्ट में इस लेक्चर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंस लिखेंगे बिटवीन एक कैश अकाउंट और ये वाला जो कैश बुक हम लोग बना रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच में, लेकिन उसे भी हम लोग नोट करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस सिंगल कॉलम कैश बुक के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग लिखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। तो पता तो चल ही गया होगा कैश बुक बननी कैसे है, क्योंकि हमने तो लेजर बनाना बहुत अच्छे से सीखा था, पर फिर भी हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे ताकि बिल्कुल भी हमारे से कोई गलती ना हो। क्योंकि कैश के साथ क्या होगा, बीच में कुछ डिस्काउंट भी रिलेटेड होगा, तो हमने देखना है कौन सी हमने वैल्यू यहाँ पर लिखनी है और बाकी जो एंट्री बचती है उसका इफेक्ट हमने कैसे देना है। पर अभी के लिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कैश अकाउंट और इस साइड हम लोग लिखेंगे कैश बुक, और अब हम लोग इसका लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस लिखेंगे हम लोग, इट इज अ सेपरेट अकाउंट इन लेजर। लेजर जब हम प्रॉपर बना रहे होते हैं तो एक सेपरेट अकाउंट हम बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, कैश अकाउंट होता है उसका नाम। तो ये एक सेपरेट अकाउंट है विच इज़ प्रिपेयर्ड इन द लेजर, लेजर के अंदर हम इस अकाउंट को बना रहे हैं। लेकिन कैश बुक क्या है, इट इज़ अ सेपरेट बुक, उसमें हम रिकॉर्डिंग करने के लिए बना रहे हैं, चाहे उसमें पोस्टिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है उसमें, लेकिन वो लेजर का पार्ट नहीं है, इट इज़ अ सेपरेट बुक। तो इसे भी हम लोग लिखेंगे, इट इज़ अ सेपरेट बुक प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग। क्या कर रहे हैं इसमें, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कैश ट्रांजैक्शंस को। तो यहाँ पे अच्छे से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सब्सिडरी बुक्स में हम लोग रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, वो जो जर्नल बनाते थे वही वाला काम हम इसमें कर रहे हैं। फॉर्मेट चाहे ऐसा है लेकिन कर हम क्या रहे हैं, कर हम रिकॉर्डिंग ही रहे हैं। नेक्स्ट डिफरेंस लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, पोस्टिंग इज डन फ्रॉम जर्नल। जब हमें कैश अकाउंट बनाना है, मतलब एक नॉर्मल लेजर अकाउंट हमने प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे हम लोग पोस्टिंग कहाँ से करेंगे, जर्नल से उठा के हम लोग पोस्टिंग करते होते हैं इस कैश अकाउंट में। मतलब कि इसका बेस क्या है, इसका बेस है जर्नल, लेकिन कैश बुक में क्या कर रहे हैं, कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इट इज़ अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, हम लोग सब्सिडरी बुक बना रहे हैं यहाँ पर। तो इसका क्या बेस है, वाउचर को सीधा देख के क्या कर रहे हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे, इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री
मतलब कि हम लोग सीधा उन वाउचर से देख के यहाँ पर सीधा हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस को। नेक्स्ट डिफरेंस लिखेंगे व्हेन कैश बुक इज नॉट प्रिपेयर्ड कैश अकाउंट इज ओपन। मतलब कि अगर हम कैश बुक नहीं बना रहे तो हम लोग सीधा मतलब जर्नल को बेस लेके हम लोग क्या बना रहे हैं, सारा लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें बनाना पड़ेगा कैश अकाउंट। वेयर एज अगर हम कैश बुक बना रहे हैं देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर अ सेपरेट कैश अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट, क्योंकि ये इन इटसेल्फ क्या है, ये इन इटसेल्फ ही तो कैश अकाउंट है। सब कुछ तो रिकॉर्ड कर लिया इसने यहाँ पर कि कैसे रिसीव हुआ हमने कैश, कैसे पे किया हमने कैश और इसका बैलेंस क्या है। तो ये तीन है मेन डिफरेंसेस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। चाहे ये बहुत ही स्मॉल लाइन ऑफ डिफरेंस था बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक, पर फिर भी हमें ये डिफरेंस आना चाहिए। और ये दोनों चीज़ें क्या है, ये इंटर रिलेटेड ही हैं। बस मेन यही चीज़ है कि अगर कैश बुक आप बना रहे हो तो आपको अलग से कैश अकाउंट नहीं खोलना पड़ेगा। और रीज़न क्या है ना खोलने का, क्योंकि कैश बुक इन इटसेल्फ क्या है, इट इज़ अ सब्सिडरी एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक। दोनों का काम ये कैश बुक कर लेती होती है, मतलब कि रिकॉर्डिंग भी कर लेती है साथ ही में क्लासिफाइंग भी कर देती है। तो इसी के साथ मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है कैश बुक का, अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि यहाँ पर असल में होता क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम ये चैप्टर आगे लेकर चलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।